कारगिल में जंग के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि कैसे कबाड़ में तब्दील हो गया, बर्बादी के मंजर नजर आ रहे हैं, हर तरफ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। कारगिल जो दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का कहा जाता है, वहां जबरदस्त बमबारी हुई, उसके बाद सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे। फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। खारकोव में जबरदस्त बमबारी के बाद आग का तांडव। रूस और यूक्रेन में जारी जंग का 35वां दिन है। ये तस्वीरें खारकोव की है, जहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कब्जे की जंग चल रही है। एक महीने से भी अधिक समय से जारी जंग के बीच यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले में तबाह हो चुके हैं और बचे हुए शहरों में रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। यह खारकोव में रूसी सेना ने आसमान से लेकर जमीन तक ताबड़तोड़ हमला किया है। रूसी हमले के बाद धधकते इस इमारत को देखिए, जहां प्रलयकारी आग सब कुछ राख कर देने पर आमादा है। भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश भी चल रही है, लेकिन प्रचंड आग के सामने दफ्तर कर्मियों के भी एक नहीं चल रही। आपको बता दें कि खारकोव भी यूक्रेन के उन शहरों में से एक है, जहां विनाशकारी जंग से सबसे अधिक नुकसान हुआ है और बर्बादी का सिलसिला अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, यूक्रेन ने एक बार फिर से दावा कर दिया है कि उसने रूस की मिसाइल को मार गिराया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने जो मिसाइल दागी थी उसे हमने मार गिराया है। तो यूक्रेन लगातार दावे पर दावे कर रहा है। युद्ध का 35वां दिन है, जंग का अंत अब तक नहीं हो रहा है, ना बातचीत सफल हो पा रही है दोनों देशों के बीच में। आखिर हल कैसे निकलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन यूक्रेन ने जो दावा किया वो हम आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि हमने नुकसान पहुंचाया है, जो मिसाइल दागी गई थी रूस की तरफ से उसे मार गिराया गया। बिल्कुल निधि, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि दोनों से अभी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। हमलों के बीच जानकारी ये मिल रही है कि एक के बाद एक 10 बार बमबारी की गई है डोनेट्स में लगातार, और वहां भी हमले तेज हो रहे हैं। डोनेट्स के येनोवका में 10 बम गिराए गए हैं और इस बमबारी में काफी नुकसान हुआ है। तस्वीर भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं उस जगह की, येनोवका, जहां पर बम गिराए गए हैं। हिमानी, बिल्कुल, तो येनोवका की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह के हालात वहां पर है। आज 9 बार एक के बाद एक यहां पर बमबारी की गई, और आइए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम यहां पर आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में दिख रहा धुएं का एक गुबार डोनेट्स्क शहर का है। कभी लोगों से गुलजार रहने वाले इस शहर में अब सन्नाटा है, खालीपन है, वीरानी है। नजरें जहां जहां जाती है घरों पर हमले के निशान है। डोनेट्स्क शहर रूस और यूक्रेन के बीच जंग की भेंट चढ़ता जा रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रही है। रूसी सैनिकों ने इस जंग में यूक्रेन के कई बड़े शहरों को तबाह कर दिया है। रूसी हमले में यूक्रेन का मारियोपोल शहर 90% तक खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध में 34 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इसमें दोनों देशों के बीच हुई कई दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही है। वही लगातार बेनतीजा होती वार्ताएं लोगों के मन में एक डर कायम कर रही है कि जंग आखिर किस मोड पर जाकर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं यूक्रेन पर। अब रशिया ने इस्कंदर मिसाइल से हमला कर दिया, इसकी तस्वीरें निकल कर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी साझा हम कर रहे हैं। अब इस दूसरे चरण में हमले और तेज कर दिए गए हैं और खतरनाक हथियारों का मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें से एक इस्कंदर मिसाइल है। उसका जो इस्तेमाल है वो अब रशिया की सेना ने किया है। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस्कंदर मिसाइल से जब हमला किया गया और हमले के बाद की किस तरह की तस्वीरें वहां पर थी वो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर यूक्रेन को की जा रही है, और जिस तरह से रशिया ने कहा था कि ये दूसरा चरण होगा और घातक हो सकता है, उतना ही घातक नजर आ रहा है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएं। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, रूसी सेना ने यूक्रेन पर दागा क्रूज मिसाइल। तस्वीरें यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से, जहां रूसी सेना का हमला 35वें दिन भी जारी है। 5 सप्ताह से जारी जंग में रूसी सेना अब और भी आक्रामक मोड में दिख रही है। अभी तक बम बारूद से तबाही मचा रही रूस की सेना अब यूक्रेन पर घातक मिसाइलों से भी प्रहार कर रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले की ताजा तस्वीर देखिए, जिसमें रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को निशाना बनाकर इस्कंदर मिसाइल
आसपास के इलाकों में भीषण आग का तांडव देखा गया। वही हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का भी दावा किया गया है। आपको बता दें कि 35 दिन से जारी जंग के बीच रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बारूदी बरसात करा रही है, लेकिन रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद भी यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तबाही की ये जंग कब थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच बड़ी खबर कीव से मिल रही है, जहां वेयरहाउस में आग लग गई है। राजधानी कीव पर लगातार ताबड़तोड़ हमले रशिया कर रहा है और यही वजह है कि तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कीव की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां वेयरहाउस में आग लग गई, भारी नुकसान यहां पर हुआ है और आग लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, फायर फाइटर्स यहां पर नजर आ रहे हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं अनूप, और लगातार यहां भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, रूसी हमले के बाद भयंकर आग लगी है कीव में। वेयरहाउस की तस्वीरें जहां जबरदस्त बमबारी के बाद आग लगी है, आग बुझाने की कोशिश जो है फायर फाइटर्स कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है कि वो तमाम जगह जो बेहद खास है यूक्रेन के, कीव के, या फिर पूरे यूक्रेन की बात कर ले, उन जगहों को तबाह और बर्बाद करने में तुला हुआ है रूस। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कीव में वेयरहाउस की तस्वीरें, जहां जबरदस्त बमबारी हुई उसके बाद आग लग गई है, उसे आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अनूप, लेकिन इस बीच देखिए लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो भी नागरिक अगर वहां पर जा रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका के नागरिकों की अगर हम यहां पर बात करें, तो उनके लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ कहा इस एडवाइजरी में, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस और यूक्रेन में जारी महायुद्ध के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को रूस की यात्रा न करने की सलाह दी है। दरअसल अमेरिका को डर है कि रूस उसके नागरिकों को हिरासत में ले सकता है, लिहाजा अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका लगातार रूस पर जंग खत्म करने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों और चेतावनियों को दरकिनार कर रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। वही खबर है कि अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए रूस अमेरिकी नागरिकों का भी सहारा ले सकता है, जबकि इधर दोनों देशों के बीच जारी जंग को लेकर वैश्विक स्तर पर भी तनाव बढ़ रहा है। वही जंग में परमाणु हमले की आशंका भी तेज होते ली है। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर कहीं परमाणु हमला होता है तो इससे होने वाले नुकसान का आंकड़ा कल्पना से भी परे हो सकता है, जिसका परिणाम तीसरे विश्व के रूप में भी दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसके बाद हम आपको यह दिखाते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को या फिर रूस को इस महायुद्ध में आखिर किस तरह का आर्थिक जो बढ़ावा है वो आखिर उनको किस तरह से मिला है या किस तरह से बदलाव हुआ है। ये देखिए, 24 फरवरी की अगर हम बात करें तो महायुद्ध का आगाज इसी दिन हुआ था। क्या थी उस वक्त रूबल की कीमत? 84.95, और डॉलर की अगर हम बात करें तो $1 के मुकाबले आखिर ये कितना था, ये रेट, ये वर्सेस हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता गया तो किस तरह से रूबल में देखिए आप बदलाव आता रहा। $1 के मुकाबले अगर हम यहाँ पर बात करें, 7 मार्च की बात करें, यह अमेरिकी पाबंदी का असर दरअसल जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। ये 139 आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे अगर हम बढ़े तो पुतिन की यह आर्थिक विजय दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अब अगर आज यानी कि 30 मार्च, जो 35वां दिन है आज महायुद्ध का, आज क्या स्थिति है? 84.50, मतलब क्या रेट है। अगर डॉलर और रूबल को हम यहाँ पर कंपेयर करें तो उस लिहाज से आप देखिए कि किस तरह से ये आर्थिक विजय पुतिन को हासिल हुई है। ना सिर्फ इतना बल्कि आप ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि जो हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो 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 देश हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, वो रूबल में ही उन्हें भुगतान करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं सीधे रुख करूंगी मृदुल का। मृदुल हमारे साथ बने हुए हैं, हिमानी इस बीच मृदुल के पास चले, हिमानी मृदुल के पास चलेंगे। लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर खार्किव से आ रही है, और खार्किव में लगातार जो रूस है वो जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन ने भी ऑपरेशन बढ़ा दिया है खार्किव में। तो आपको बता दें कि एक वीडियो जारी किया गया है, यूक्रेन के ऑपरेशन का ये वीडियो जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो रूस के हमले हैं, हम उनके खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन चला रहे हैं और हमारी सेना डट कर मुकाबला कर रही है, ये यूक्रेन ने दावा किया है। यूक्रेन के ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक गांव के पास जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, उस युद्धाभ्यास की तस्वीरें खुद यूक्रेन ने जारी की, ये वीडियो जारी किया जिसमें बताया जा रहा है कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर हम इस युद्ध को लड़ रहे हैं।